जहां आपको जवाब नहीं पता होता है तो ये लाइफ आप यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली यूज हो जाती है बॉस, एंड वन गेम वन लाइफ। ऑलराइट, ऑल सेट, पोल बाजी में भी यूज कर सकते हैं बाय द वे आप ये लाइफ। ऑल सेट देन, लेट्स स्टार्ट द इजीएस्ट क्विज टू विन ऑन द BaaziNow। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट 18,000 पीपल और आप सबके लिए पहला सवाल बस मैं पूछने जा रही हूं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। मीरास के डैश के राजा थे विद द गोल्डन टच, फिल इन द ब्लैंक, माइसेने, ट्रॉय या फिर फ्रिजिया। मीरास वो थे जिनको वरदान मिला था कि वो जो भी छुएंगे वो सोना बन जाएगा। बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड शुरू में तो उन्हें ये बहुत बेहतरीन लगा, एंड सून ही रियलाइज कि बॉस ये तो वरदान नहीं श्राप है, क्योंकि एवरीथिंग ही टच्ड टर्न्ड गोल्ड। नाउ थिंक अबाउट इट, खाना खाने जा रहे हैं, टच किया सोना बन गया, अपनी बेटी को प्यार करने गए, टच किया सोना बन गए। जवाब मेरे पास आ गया, फ्रिजिया है सही जवाब, जहां के वो थे राजा। वैसे आज की डेट में ना लोग ऐसा कहते हैं, देयर इज अ सेइंग दैट यू've got the Midas touch, जो उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, कि कुछ भी चीज छुएंगे सोना बन जाएंगे। सो इमेजिन पापी, उनका तो अलग ही मीरास टच है। सही जवाब दिया 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने, बहुत ही सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन था। वैसे आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एकदम तैयार आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। LAC इंडिया और डैश के बीच लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल है, फिल इन द ब्लैंक, पाकिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश। अच्छा, इस सवाल से ना मुझे मेरी लाइफ के वो 4 घंटे याद आ रहे हैं जो मैंने जेपी दत्ता की फिल्म LOC देख के बिताए थे। ये मूवी थी अबाउट द कारगिल वॉर और उसमें थे संजय दत्त, अजय देवगन, अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, सुनील शेट्टी, करीना कपूर, तब खान नहीं थी, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, रवीना टंडन, नम्रता शिरोडकर। नो वंडर 4 घंटे से ज्यादा लंबी थी ये फिल्म, क्योंकि कास्ट ही खत्म नहीं हो रही है। जवाब मेरे पास आ गया, चाइना है सही जवाब। मैं तो LOC की बात ऐसे ही कर रही थी, सवाल था LAC के बारे में, which is line of actual control, जो है इंडिया और चाइना के बीच, and LOC है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, देख लेते। सही जवाब है 10,450 लोगों ने कहा चाइना, थोड़े से लोग 1500 के करीब लोगों ने कहा है पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं towards the next question, हमारे साथ जुड़े हुए मोर देन 18,000 पीपल, वेलकम वेलकम। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके लिए, ये रहा। गॉर्डन गेको कौन सी फेमस फिल्म का कैरेक्टर है, ये बता दीजिए मुझे। मैं ऑप्शंस बता देती हूँ, वॉल स्ट्रीट, शज़ाम या फिर द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। इस कैरेक्टर को मूवी में प्ले किया था माइकल डगलस ने, और उन्हें इसके लिए एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला था। अगर आप माइकल डगलस की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स देखेंगे, ट्रैफिक, द सेंटिनल, आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि हमारे शाहरुख काफी इंस्पायर्ड है इनसे, इन टर्म्स ऑफ हिज एक्टिंग, एंड बहुत ज्यादा तरीका जो है उनका, स्टाइल जो है वो भी सिमिलर। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, वेरी सिमिलर राइट। जवाब मेरे पास आ गया है, वॉल स्ट्रीट है सही जवाब। ये कैरेक्टर 1987 की वॉल स्ट्रीट और उसके सीक्वल 2010 की वॉल स्ट्रीट मनी नेवर स्लीप्स में था, एंड द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो जरूर देखिएगा, टू वॉच लियोनार्डो ब्लूम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वाज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस, एंड लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं। 672 पीपल सेड वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, 9,000 से भी ज्यादा लोगों ने दिया एकदम सही जवाब। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 ऑन दिस एडिशन ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेनबाजी। क्वेश्चन एकदम तैयार, ये रहा। 2019 में इनमें से कौन सा एनुअल कॉन्फ्रेंस पहली बार होगा, इंडो यूएस 2+2 डायलॉग, SCO समिट या फिर G20 समिट। इन समिट्स में इन बिटवीन डिस्कसिंग इंटरनेशनल ट्रेड, द ग्लोबल इकोनॉमी एंड क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड लीडर्स को बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने को मिलती है। टेस्ट द कंट्रीज क्विजीन, जहां पर यह समिट हो रहा है, विच आई थिंक इज अ ह्यूज प्लस फॉर मी। ऑलराइट, डू यू लिव टू ईट और ईट टू लिव, सोचिएगा इस बारे में, मुझे बताइएगा BaaziNow सोशल मीडिया हैंडल। जवाब मेरे पास आ गया, SCO समिट है सही जवाब, जो इस साल होगा बिश्केक में, द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, जहां का ओश बाजार इज फेमस फॉर द फूड एंड क्लोथ, और फरजीन विल हाईली रेकमेंड, जब जाऊंगी तो बताऊंगी। अभी बताती हूँ, 1863 लोगों ने दिया है सही जवाब। वाओ, ऑलमोस्ट 8,000 पीपल आंसर्ड इट इनकरेक्टली, तो ये बनता है मेरा आज का पहला गब्बर सवाल। Wait for it. 6,661 people using their lives on this question. कह रही थी रुखसार, कह रही थी कि लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम तैयार है आपकी स्क्रीन पर, विद ऑलमोस्ट 18,000 पीपल, ये रहा। इनमें से कौन सी कंट्री के हेड एक फर्नीचर सेल्समैन थे, सिंगापुर, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया।
इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी है, मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। सो 12 साल की एज में इन्होंने अपने फादर के फर्नीचर शॉप में काम करना शुरू कर दिया था। फिर इन्होंने अपनी कंपनी फॉर्म की विच नियरली वेंट बैंक्रप्ट। ऐसे ही कुछ और वर्ल्ड लीडर्स भी हैं जिन्होंने दे स्टार्टेड डिफरेंटली, लाइक बराक ओबामा एक टाइम पर वेटर थे एंड फॉर्मर रशियन प्राइम मिनिस्टर डिमिट्री वाज अ स्ट्रीट क्लीनर। ड्रीम बिग एंड अचीव इट, सही जवाब आ गया मेरे पास एंड इंडोनेशिया है सही जवाब। 7131 पीपल आंसरिंग दिस वन करेक्टली। जोको विडोडो, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, जिन्होंने कई अप्स एंड डाउन्स के बाद डिसाइड किया टू बी अ पॉलिटिशियन एंड वर्क फॉर हिज नेशन। ये ना यूरोप गए थे टू सेल हिज फर्नीचर जो वो पहले करते थे, और वहां का विकास देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि यार अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। Sorted, right? अभी आगे बढ़ते हैं towards the next question, question number 6 on this edition of the Times of India BrainBaazi, the easiest quiz to win. ये रहा question आपकी screens पर। कौन सी foreign company को investigate किया जा रहा है for not finding irregularities in IL&FS during auditing? Deloitte, KPMG या फिर PricewaterhouseCoopers? IL&FS एक financing company है। और अगर आपने आज का business section पढ़ा है of the Times of India newspaper तो आप जानते हैं They are in big trouble. इनके managing director and CEO को arrest किया है क्योंकि कुछ irregularities पाई गई हैं across entities, basically financial fraud. Deloitte को भी investigate किया जा रहा है क्योंकि auditing के समय उन्होंने ये irregularities report ही नहीं किया। यहाँ तो पूरी दाल ही काली है, कहते हैं ना दाल में कुछ काला, पूरी दाल काली। सही जवाब दिया 2056 लोगों ने, क्या बात है, डेलॉयट बोल दिया आपने, ब्यूटीफुल। और अभी 713 लोगों ने की है लाइफ यूज, पर एक सेकेंड, बहुत सारे लोगों ने दे दिया है गलत जवाब, तो ये बनता है मेरा आज का दूसरा गब्बर सवाल। बट टेंशन नॉट, टेंशन की कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये जो अगला सवाल है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, अगर भी बाहर हो गए तो गेम के, डोंट यू वरी, क्योंकि एजेंट राधा सवाल है, ओपन टू ऑल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 17,000 पीपल अटेम्प्ट कर सकते हैं। सही जवाब देना है बिना लाइफ यूज किए तो आपको मिलेगी एक एक्स्ट्रा लाइफ। क्वेश्चन नंबर 7 एजेंट राणा सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आज के एजेंट राणा में बोल्टन को पकड़ने के लिए सिम्स ने क्या डिस्गाइज लिया है, सिक्योरिटी ऑफिसर, पायलट या फिर फ्लाइट अटेंडेंट? एजेंट बोल्टन को बोलती है टू लीव द कंट्री ताकि इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज उसे अरेस्ट ना करे, तो एजेंट, एजेंट और कांति बाला का प्लान है टू स्ट्राइक, ऑलराइट, बोल्टन भी रहना चाहते हैं लेकिन एजेंट कहती है दैट ही अट्रैक्ट्स टू मच अटेंशन। सिम्स उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लेती है और किस डिस्गाइज में होती है, सिक्योरिटी ऑफिसर के डिस्गाइज में होती है, जी हाँ, शी इज ड्रेस्ड एज द सिक्योरिटी ऑफिसर। आपको पता है आप एजेंट राणा ग्राफिक नॉवल पढ़ सकते हैं ऑन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर मंडे टू सैटरडे। सही जवाब दिया 1418 लोगों ने दिया सही जवाब बिना लाइफ यूज के तो आपको मिलती है एक एक्स्ट्रा लाइफ। वादे के एकदम पक्के हैं। अभी आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8 विद 2100 से ज्यादा लोग और हमारे साथ जुड़े हुए क्लोज टू 17,000 पीपल। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा 2019 में इनमें से कौन से हेड ऑफ स्टेट के इंडिया के आने की उम्मीद नहीं है, शिंजो अबे, जी जिनपिंग या फिर डोनाल्ड ट्रंप? हेड ऑफ स्टेट माने डिप्लोमैट और उनको इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए कंट्रीज विजिट करने पड़ते हैं। 2014 से लेकर 2019 तक मोदी जी 49 फॉरेन ट्रिप्स पर गए हैं और गवर्नमेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है टू टर्न दीज ट्रिप्स इनटू अ कॉफी टेबल बुक। ब्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग कुड बी द नेक्स्ट स्टेप। जवाब मेरे पास आ गया एंड डोनाल्ड ट्रंप है एकदम सही जवाब। जापानीज पीएम शिंजो अबे ऑटम में आने वाले एंड द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट is expected to bring Chinese president to India. Lekin aise such plans involving Donald Trump abhi tak nahi bane hain. Sahi jawab hai 1054 logon ne, 110 logon ne ki hai life use. Aur ab hum aage badh rahe hain towards the final question on this edition of the Times of India BrainBaazi, the easiest quiz to win with me Farzeen. Question number 9 aap sab ke liye, all the best. Ye raha इनमें से कौन सी पार्टी recently nahi mile to discuss concerns about EVMs? Aapke options hai CPI, DMK ya phir TDP. VVPAT में EVM एक प्रिंटेड स्लिप अलाउ करता है जिसमें आपको दिखेगा सीरियल नंबर, नेम एंड नंबर ऑफ द चोजन कैंडिडेट। अब अगर आपने कैंडिडेट एक्स के लिए वोट किया बट आपका वोट गया कैंडिडेट वाई को, सो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? और यही टैली डिमांड किया था ऑपोजिशन ने कि एटलीस्ट 50% टैली तो देखना ही बनता है। डीएमके वो पार्टी है जो इस कंसर्न को डिस्कस करने के लिए नहीं मिले, सो डीएमके इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर। कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप, सीपीआईएम, सीपीएम,
मिले थे। टीएम के कहा 783 लोगों ने, 79 लोगों ने की है लाइफ यूज। आई होप आप एकदम रजिस्टर्ड वोटर है ना, वेयर वोटर भी कई दिनों से हम आपको कह रहे हैं बहुत जरूरी है, ईच वोट काउंट्स। 862 लोग जीत गए आज का ये एडिशन ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी आपके लिए। सेलिब्रेशन तो बनती है बॉस। आप खींच के फोटो भेज दीजिए तो खींच मेरी फोटो। जी हाँ, बाजीराव ऐसा सोशल मीडिया हैंडल। अभी आपको बताती हूँ कौन कौन जीत चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स। ओलाख मॉनिटर, वेरी नाइस क्लास मॉनिटर, ओके। रानू, मोनिका, आलिया, इमोटियस, आजाद, धानी, विंगला, ऐसा नाम है। Wherever you are, hope it's happy, just like me. The Times of India, BrainBaazi.